नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनंत कुमार और आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी एजुकेशन में स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोडिंग और कोडिंग और डिकोडिंग से रिगार्डिंग एक नया टाइप, डायरेक्ट लेटर कोडिंग। तो इस तरह से मैं क्या होगा इसमें एक न्यूमेरिकल जैसे हमने लिया हुआ है एक एग्जाम्पल के तौर पर समझने के लिए, जैसे कि न्यूमेरिकल में दिया हुआ है इन ए सर्टेन कोड ओ इज रिटन एज ई, ओ को हम ई लिखते हैं, ए को सी लिखते हैं, एम को आई लिखते हैं, एस को ओ लिखते हैं, एन को पी लिखते हैं, E को M लिखते हैं, I को A लिखते हैं, P को N लिखते हैं, C को S लिखते हैं। तो उस कोड लैंग्वेज में जिसमें कि हम ये नंबर्स को अलग नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं उसमें हम कंपनीज को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट लेटर कोडिंग, मतलब इसमें आपको डायरेक्ट लेटर दिया होंगे कि आपको O को डायरेक्ट रिप्रेजेंट करना है E से, A को C से, आपको ये दिया हुआ है कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। तो वो कह रहा है कि कंपनीज को इस लेटर में क्या लिखेंगे, तो हमको सिंपल क्या देखना है कि कंपनीज में C, तो हम क्या इस लैंग्वेज में सी को क्या लिखते हैं, सी को एस लिखते हैं, तो हमने सिंपल एस लिख दिया ओ। अब ओ को इस लैंग्वेज में क्या लिखते हैं, ओ को लिखते हैं ई, तो हमने यहाँ पर ई लिख दिया। और एम, एम को क्या लिखते हैं, यहाँ पर आई लिखा हुआ है, तो हमने इस लैंग्वेज में आई लिख दिया। और पी, पी को इस लैंग्वेज में क्या लिखते हैं, एन, तो हमने एन लिख दिया। अब ए दिया हुआ है तो ए को इस लैंग्वेज में सी लिखते हैं, तो सी लिख दिया। अब एन दिया हुआ है तो एन को इस लैंग्वेज में पी लिखते हैं, तो पी लिख दिया। और आई, तो आई हमने यहाँ पर देखा, आई को ए लिखते हैं, ए लिख दिया। और ई को क्या लिखते हैं, ई को एम लिखते हैं, तो हमने एम लिख दिया। और एस, एस को क्या लिखते हैं यहाँ पर, एस को ओ लिखते हैं, तो ओ लिख दिया। तो हमारा सिंपल क्या था, इसमें डायरेक्ट लेटर कोडिंग दिया हुआ था कि ये नंबर्स जो दिया हुआ जो अल्फाबेट हैं उनको इन अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो कंपनीज को क्या लिखेंगे, तो हमने सिंपल क्या किया, अलग अलग अल्फाबेट्स का कोडिंग लिख दिया जो इस अकॉर्डिंग दिया हुआ था, ठीक है। तो हम ये ऑप्शन दिया हुआ है कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, तो हमने पहले मैच किया एस ई आई एन, तो एस ई, तो ये जो है नहीं, एस ई आई फिर एन आता है, यहाँ पर ए दिया हुआ तो ये भी नहीं है, एस ई आई एन फिर सी पी ए एम ओ, तो हमारा सी ऑप्शन सही है, तो डी भी गलत हो गया। इस तरह से हमारा क्या है कि यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। तो इसी तरह से हम देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल्स, ठीक, जैसे कि हमारा ये दूसरा न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इफ इन ए कोड लैंग्वेज पेरेंट, ये दिया हुआ है पेरेंट इज रिटन एज, ये लिखा हुआ है बी डी एफ जी जे के, एंड चिल्ड्रेन इज रिटन एज, ये दिया हुआ है एम ओ एक्स क्यू यू एफ जी जे, हाउ इज रिप्रिंट रिटन इन दैट कोड। तो इसमें क्या हुआ, रिप्रिंट इस कोड में क्या लिखेंगे, हमारे पास ये चार ऑप्शन है, चलिए हम देखते हैं। तो ये भी न्यूमेरिकल्स रिगार्डिंग है हमारा, डायरेक्ट लेटर कोडिंग से रिगार्डिंग है। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम प्रत्येक लेटर का कोड लिख लेते हैं, जैसे कि क्या पेरेंट दिया हुआ है, तो हमने लिखा पी ए आर ई एन टी, हमने ये लिख लिया। तो पेरेंट को क्या लिखा इसने, तो प्रत्येक अल्फाबेट लिख लेते हैं, यहाँ से पी को, पी को यहाँ पर क्या लिखा उसने, पी लिखा, तो यहाँ पर पी लिख लिया। ए को इसने यहाँ पर क्या लिखा, ए को डी लिखा, तो हमने यहाँ पर डी लिख लिया। आर को, आर को इसने यहाँ पर लिखा एफ, तो यहाँ पर हमने एफ लिख लिया। और ई को यहाँ पर क्या लिखा इसने, जी, तो जी लिखा हमने। और N को यहाँ पर क्या लिखा है इसने, J, तो हमने यहाँ पर J लिख लिया। और T, T को यहाँ पर इसने क्या लिखा, K, तो हमने K लिख लिया, ठीक है। और हमारा दूसरा वर्ड क्या दिया हुआ है, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन को इसने क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, ठीक है। तो हम इससे भी कुछ ले लेते हैं, तो C, तो यहाँ पर C नहीं लिखा ना, तो हम C को क्या यहाँ पर क्या लिखेंगे, C को लिखा हुआ इसने M, तो C को M लिख लिया हमने। H, तो हमने यहाँ पर H हम चेक कर लेंगे, H नहीं लिखा हुआ, तो हम यहाँ पर H लिख लेंगे। H को इसने क्या लिखा हुआ है, H को लिखा हुआ है O, तो हमने H को O लिख लिया। अब सेम यहाँ पर I, तो हमारा यहाँ पर भी I नहीं लिखा हुआ है, तो I को क्या लिखा उसने, X, तो हमने यहाँ पर I को लिख लिया, X लिख लिया, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं I L, तो हमारा यहाँ पर L नहीं लिखा हुआ, तो उसने L को क्या लिखा हुआ, L को लिखा हुआ है Q, तो हमने Q लिख लिया। D, तो हमारा जो D है उसने D को क्या लिखा हुआ, U लिखा हुआ, U। और फिर R, आर हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, आर को क्या लिखा उसने, आर यहाँ पर दिया हुआ है, आर को उसने एफ लिखा हुआ है। ई, ई हमारे यहाँ पर ई को जी, तो ई को यहाँ पर इसने जी लिखा हुआ। और एन, तो एन हमारे यहाँ पर दिया, एन को जे, तो एन को उसने जे लिखा हुआ। तो हमने जो हमारे दो लेटर दिया हुआ थे, पेरेंट दिया हुआ, तो पेरेंट को उसने ये लिखा और चिल्ड्रेन को उसने ये लिखा हुआ। तो हमने क्या किया, ये भी एक डायरेक्ट लेटर कोडिंग से रिगार्डिंग न्यूमेरिकल है, तो हमने इसका प्रत्येक अल्फाबेट का जो उसका कोडिंग अल्फाबेट है हमने वो लिख लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने जो उसे पूछा हुआ है, रिप्रिंट को क्या लिखेंगे इसमें, तो हमने लिख लिया
आर ई पी आर आई एन टी। तो इसको इस लैंग्वेज में रीप्रिंट को क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं आर। सबसे पहले यहाँ पर सर्च करेंगे आर को क्या लिखे उसमें, एफ, तो हम आर को यहाँ पर एफ लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर ई, तो हम यहाँ पर सर्च करेंगे ई को उसने क्या लिखा, जी, तो हम लोगों ने यहाँ पर जी लिख देंगे। अब यहाँ पर दिया हुआ है पी, तो यहाँ पर क्या है पी को, पी को उसने क्या लिखा, पी, तो हम यहाँ पर पी लिख देंगे। और आर दिया हुआ है, तो यहाँ पर आर को उसने एफ लिखा है, तो यहाँ पर एफ लिख देंगे। आई, आई को उसने क्या लिखा हुआ, एक्स, तो यहाँ पर एक्स लिख देंगे। एन, तो इस लैंग्वेज में एन को उसने जे लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर जे लिख देंगे। और फिर ये लिखा हुआ है टी, तो टी को उसने क्या लिखा हुआ है, के लिखा हुआ है, तो हमने के लिख दिया। तो सबसे पहले हमने क्या किया इस न्यूमेरिकल में, कि हमको दो लेटर दिए हुए थे पेरेंट, पेरेंट को उसने इस ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन को उसने ये लिखा हुआ है। तो हमने इन दो वर्ड की हेल्प से हमने इसका डायरेक्ट कोडिंग कर लिया, डायरेक्ट लेटर कोडिंग, कि हम इस लैंग्वेज में पी को बी लिखते हैं, ए को डी लिखते हैं, आर को एफ लिखते हैं, ई को जी लिखते हैं, एन को जे लिखते हैं, टी को के, सी को एम, एच को ओ लिखते हैं, आई को एक्स लिखते हैं, एल को क्यू, डी को यू लिखते हैं। तो इसी तरह से हमने रिप्रिंट, रिप्रिंट में प्रत्येक लेटर का हमने डायरेक्ट लेटर कोडिंग से, इसकी हेल्प से हमने डायरेक्ट ये लिख दिया। हम चेक करते हैं कौन सा हमारा आंसर सही है, एफ जी बी एफ, एफ जी बी एफ, एक्स जे के, एक्स जे के, तुम्हारा पहला सही है, ठीक है। और दूसरा मैच करते हैं एफ जी बी यू, तो ये बी यू आता है, तो ये यहाँ तक मैच कर रहा है, फिर नहीं मैच कर रहा है, तो हमारे क्या है, इस तरह से ये तीनों गलत हैं, हमारा ए आंसर सही है, ठीक है।